डूंगर थाना क्षेत्र के कुंडली नदी गांव में पिछली रात अवैध बजरी खनन और परिवहन पर कार्रवाई करने गई मलारना डूंगर थाना पुलिस की टीम पर बजरी माफियाओं ने हमला कर दिया, जिसमें पुलिस की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। जानकारी के मुताबिक यातायात डीएसपी पिंटू कुमार के नेतृत्व में मलारना डूंगर थाना प्रभारी राधा रमन गुप्ता, डीएसटी प्रभारी पंजाब सिंह और क्यूआरटी प्रभारी प्रेमचंद पुलिस जाब्ते के साथ कुंडली नदी गांव में अवैध बजरी परिवहन और खनन पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान बजरी माफियाओं ने पुलिस कर्मियों का रास्ता रोका और पुलिस वाहनों पर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस के 4 वाहन क्षतिग्रस्त हुए। हमले में एक पुलिसकर्मी को चोट भी आई है। करीब 10:30 बजे आरोप चौकी से इलाके में रवाना होकर गंभीर होते हुए कुंडली नदी पहुंचे, जहां कुछ देखे से 1-1.5 किलोमीटर पहले कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी से बजरी का प्रबंध करते दिखे, जो पुलिस की गाड़ियों को देखकर एक बजरी मौके रोड पर खाली करके और खेतों में होके निकल के फरार हो गए। उसके बाद जब वापस चेकिंग करके आ रहे थे तो रास्ते में कुंडली नदी गाँव में घुसते ही कुछ लोगों ने असामाजिक तत्वों द्वारा बजरी की ट्रॉली खाली करके मार्ग अवरोध कर दिया और उतर के उसको वैकल्पिक मार्ग तलाश रहे थे। इसी दौरान 20 से 25 असामाजिक तत्वों ने अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस को पथराव कर दिया, जिनको काफ़ी समझाइश की गई उनको इस तरह का अवैधिक अनैतिकृत नहीं करने हेतु ललकारा, लेकिन नहीं मानने पर क्यूआरटी और हमारी डीएसटी टीम के द्वारा आत्मरक्षा हवाई फायर किया गया। उसके बाद मौके से हमने जो पीछा करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया, दस्तावेज किया वहाँ से और उनको लेकर हम पुलिस थाने पर आए। 13 नाम जैसे 20-25 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और पथराव में हमारी 3 गाड़ियाँ के शीशे टूटे हैं और एक कोई चालक है हमारे सीओ साहब का, उनके चोट आई। और इस खबर पर हमारे साथ बजरंग हमारे संवाददाता सवाई माधोपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बजरंग, सरकार एक ओर सख्त है कि बजरी माफियाओं और अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई की जाए, वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस इस तरीके की कार्रवाई करने जाती है तो यही अवैध खनन करने वाले माफिया उन पर ताबड़तोड़ प्रहार कर देते हैं, पत्थरों से उन्हें घायल कर देते हैं। बजरंग, ये मामला कब का है और अभी पुलिसकर्मी जो जख्मी हुए हैं उनकी स्थिति क्या है? बजरंग जी, बिल्कुल, ये सवाई माधोपुर जिले के मलायना डूंगर थाना क्षेत्र का मामला है और सवाई माधोपुर जिले में पिछले करीब 1 साल से कोई भी बजरी की वैध लीज नहीं है। वैध लीज नहीं होने के बावजूद लगातार सवाई माधोपुर जिले की जो बनास नदी क्षेत्र है उसमें लगातार अवैध रूप से खनन किया जा रहा है और बड़ी तादाद में जो खनन माफिया है उनके द्वारा प्रतिदिन बजरी का दोहन किया जा रहा है। उसको लेकर के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। पुलिस अधीक्षक जो ममता गुप्ता है उनके द्वारा लगातार पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर, जिला प्रशासन द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। उसी को लेकर जब पुलिस इन अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने जाती है तो कहीं ना कहीं अंधेरे का फायदा उठाकर और रात्रि का फायदा उठाकर ये जो बजरी माफिया है ये पुलिस के ऊपर धावा बोल देते हैं। अब सवाई माधोपुर जिले में इस तरह की कई बार घटनाएं सामने आ चुकी है जब बजरी माफियाओं और पुलिस आमने सामने हुई है। तो ऐसे में बीती रात को भी जब मलारना डूंगर थाना पुलिस बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की गई तो बजरी माफियाओं ने पुलिस को चारों तरफ से घेर लिया और चारों तरफ से पत्थरबाजी की गई। इस दौरान करीब 25 से 30 जो बजरी माफिया थे उन्होंने चारों तरफ जब पुलिस को घेरा तो पुलिस की जो संख्या थी वो कम पड़ गई और जो रास्ते में बजरी के ढेर लगे हुए थे उनकी वजह से पुलिस की गाड़ियां वहां फंस गई। तो चारों तरफ से चौतरफा घेराबंदी करने के बाद ही बजरी माफियाओं ने पत्थरबाजी की, जिसमें पुलिस के 4 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और 1-2 पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें भी आई है। मजबूरन वहां पुलिस को फायर करना पड़ा तब जाके पुलिसकर्मियों की जान बची है। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर 25 से 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें से 10 से 12 लोग हैं उनको नामजद किया है सही, वहीं 2 लोगों को डिटेन भी पुलिस ने कर लिया है। बजरंग, सिर्फ 2 को डिटेन किया है, बाकियों को कब तक गिरफ्तार कर सकती है पुलिस और किन किन के नाम इसमें शामिल है? क्या कोई बड़ा माफिया इसमें था, कोई बड़ी चेन जो संचालित कर रहा हो? बजरंग,
ये बनास नदी के आसपास जो ग्रामीण इलाके हैं, तो ये आसपास के जो गांव के लोग हैं वही यहाँ पर विशेष रूप से खनन करते हैं। जब भी पुलिस वहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है तो पूरा का पूरा गांव के जो लोग हैं वो पुलिस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ऐसे में पुलिस की मजबूरी हो जाती है वहां से बचकर निकलना, क्योंकि गाँव के गाँव जब वहां पुलिस को घेरते हैं तो कोई कैजुअलिटी नहीं हो, इस वजह से पुलिस वहां से निकल लेती है। लेकिन जैसे ही मामला दर्ज हुआ, जिन लोगों के नाम सामने आए वो लगातार पुलिस दबिश भी दे रही है, उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस की इतनी शक्ति होने के बावजूद और पुलिस अधीक्षक की शक्ति होने के बावजूद कई पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो बजरी माफियाओं से मिले हुए हैं। आज ही एक मलाना डूंगर थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिसकर्मी बजरी माफियाओं से शोध वसूली करते दिखाई दे रहा। तो कहीं ना कहीं कुछ जो पुलिसकर्मियों की वजह से जो बाकी के जो पुलिसकर्मी है उनको कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। नजर बनाए रखिए। तो पुलिस की टीम पर बजरी माफियाओं ने हमला किया है, हालांकि इस दौरान एक पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें भी आई हैं।